कितना पैथेटिक रूल है। मेरे भाई भाभी गेट के बाहर खड़े। मैं नहीं बात करता ऑनर्स दिस एंड दिस। मैं देखा। अच्छा बहन एक बात सुन। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। वैसे देखो आप लोग देख रहे हो व्लॉग्स सुबह सुबह, लेकिन मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ रात में, जस्ट बिकॉज मैं एक इवेंट खत्म करके आया हूँ। वो डिटेल्स आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन कल इंडिया मैच जीत गई है, मतलब आज इंडिया मैच जीत गई सेमीफाइनल में, इतना खुश हूँ ना। और सच बताऊँ, मैंने टोटके की वजह से ये मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि पिछली बार ना मैं कुछ कर रहा था तो कुछ काम से बाहर गया हुआ था। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था तो इंडिया हार गई थी। इस बार मैंने सोचा मैं कुछ नहीं करूँगा, पूरे दिन कुछ नहीं किया भाई मैंने। कंजी हैप्पी भाई दोज। इतनी रात में पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ अभी? इवेंट खत्म करके आज के दिन कोई गिफ्ट नहीं मिलता, आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आप कुछ खाना खिला दे मेरे को बहन। उधर देखो गाइस, देखो ये मेरी दूसरी, ये भी पूरे गुण इसमें आ गए यहाँ के हमारे वाले। मर्व यू कम हियर कम हियर। व्हाई यू लाइक दैट? यू आर द एल्डेस्ट अमंग ऑल ऑफ अस एंड यू डू दीस शिटी थिंग्स। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ यू आर टू अननोय हिम। रियली? बट ही इज ऑलरेडी अननोइंग, यू डोंट नीड टू अननोय यश। हाय बाबू, हाय बाबू। ओए भाई रॉज पे तूने इसको कुछ करा? ऑस्कर को तूने मुझे कुछ करा? क्या तूने मुझे विश करा था मैं तेरी स्टोरी नहीं लगाई? आजकल ऐसे भाई रॉज होते हैं। हाँ बे तू है ना बे तू। मर व्हाट वी कॉल डॉग लाइक दैट? मर आई थॉट इट्स जस्ट द वे ऑफ शोइंग लव। नो मर, नो आई एम वेरी एंग्री। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, कल जो आप व्लॉग देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैं जा रहा हूँ मुंबई और नीतू जा रही है, हमारे घर में फंक्शन है, नामकरण है छोटे से बच्चे का, वो वाला व्लॉग आप कल देखोगे। तो हम लोग अलग अलग जाने वाले हैं, मैं कहीं और, नीतू कहीं और, मैं अकेला, मतलब जब से नीतू से मिला हूँ उसके बाद किसी जगह पहली बार अकेला जाने वाला हूँ मैं, सोलो ट्रिप पर एकदम। क्या हुआ बहन तेरे? गाल देख कैसे कर दी नीतू ने? वो मेरा प्यार था, उनके साथ सुबह तक रहता। अभी हटा देगी उसको दीदी? भाई दोज आज भाई दोज उससे अलग है। भाभी दोज यार, इन्होंने मुझे मैसेज किया हैप्पी भाभी दोज, मैंने कहा अपने सड़े भाई को करो मुझे मत करो, क्योंकि हमारे उस टाइम फाइट हुई थी। हैप्पी भाभी दोज, इन्होंने मुझे लिखा व्हाट्सएप में हैप्पी भाभी दोज, मैंने कहा अपने सड़े भाई को करो मुझे मत करो, फिर कहती नहीं नहीं, फिर क्या कहती अपने कुछ और लिखा माय अगली। अच्छा बहन एक बात सुन, बहन सुन कुछ खिला दे आज के, ऐसा बोलते बहन के कुछ खा लेते जा। मैं लेकर आती हूं। ये क्या ऑस्कर की वो रखी है? टिप टॉप वो खिलाएगी तो मेरे को? ये खा। क्या विटामिंस खाना? क्या अरे तू वो लेके आना। वेट में लेकर। हाँ ये तो बहुत ही पागल है, क्या है? मल्टी विटामिंस है। अरे मैं क्यों खाऊं मल्टी? मेरे को क्या हो गया? पागल है क्या? सबको ऐसा कुछ होता नहीं है, खाने होते हैं। तू खा ले। ये अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है, इससे ज्यादा मैंने कोई नहीं देखा। विटामिन सी ये खाती है, सॉरी टैबलेट ही खाती है। विकी की तबीयत खराब है इसलिए। मर्व बाय। मर्व को दिल्ली आके पॉल्यूशन फील नहीं हुआ, क्योंकि ये भी ऐसी पॉल्यूटेड जगह से आ रही है लंदन से, जो कि अपने आप में वो भी 30 मार खा जगह एकदम। वाह नीतू थैंक यू। नीतू अच्छी तो है यार, तू ख्याल तो रखती है मेरा, मैं मान गया बात। लवेन ये क्या सोन पापड़ी लाई है यार? अरे खा लो यार थोड़ी सी बस। हाँ तो कितनी इमरजेंसी में हमने बनाया ये भाई रोज। जाने दो अंदर जाने दे। भगवान को बोल मेरे भाई की लंबी आयु करना। यमराज करते हैं आज के दिन। यमराज ने वो ट्रेंड शुरू किया। दिमाग करना थोड़ा सा, बस दिमाग। किसका? अंक थोड़ी बड़ी हाइट करना। नीतू की, इसकी दीदी की। और इसको अगली से थोड़ा ब्यूटीफुल बना देना। और इनको थोड़ा पतला कर देना। और इनका पेट थोड़ा पेट कम कर देना। नीतू तू हार रही है। इनके थोड़े आर्म्स कम कर देना। और काश इसके पास अपने खुद के कपड़े आ जाएं, मेरे से लेती रहती है। ये कम हुआ? मेरे से लेती हो? अब तो कम लेती हूँ, काफी कम। तो इसने बेइज्जती कर दी नेशनल टेलीविजन पे तेरी। हमारा चैनल अब नेशनल टेलीविजन बन गया है। अच्छा तो भाई जो भी को पता है ये नीतू के सब काट देगा। नहीं ऐसा नहीं है। गाइस सबसे पहले तो आपने व्लॉग देखना स्टार्ट करा, जल्दी से प्रेजेंट लगा दो कमेंट में जो आ गए यहाँ पे। अब हमारी क्लास की तरह डेली की तरह यहाँ पे प्रेजेंट लगा करेगा। अटेंडेंस ऑडियंस प्रेजेंट कर देना वहाँ पे। और एक चीज़ देखो आप ना व्लॉग के एंड तक, तो मतलब कुछ ही लोग जा पाते हो कुछ लोग कुछ काम आ जाता है बेचारे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, आपने व्लॉग देखते लाइक कर देखो सबसे पहले। क्योंकि पता क्या हो रहा है, देखो हमारे आप लोग व्लॉग देखते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो मैं जब देखता हूँ ना कि इतने सारे व्यूज़ इतने कम लाइक्स, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं सच में मतलब आपसे एज अ फैमिली मेंबर बता रहा हूँ। देखो आज भाई दोजो जितनी भी बहनें मेरी ये व्लॉग देख रही होंगी, या भाई भी देख रहे होंगे, भाई दोजी तो है, तो देखो आप सबसे मेरा ये गिफ्ट है कि आप व्लॉग देखते ही तुरंत इसको लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो आके, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार चलो लोगों तक पहुँच गया व्लॉग मेरा। नहीं तो तू मेरे लिए लाई थी हाय मर्व स्पीक इन हिंदी हैप्पी हैप्पी भाई दूज
मर्व मर्व देखा यार ये बहुत अच्छी है. मर्व यू रिमेम्बर रक्षाबंधन? यस आई डू. रक्षाबंधन लाइक ब्रदर गिव्स सिस्टर बट टुडे सिस्टर विल गिव ब्रदर. ओके यू नो व्हाट हैपेंड दैट डे. गिव हिम हस्बैंड क्लैप. यू नो ही टोल्ड मी चूज समथिंग, चूज अ बैग और समथिंग. या बट शी वाज लेट. एंड देन I was like, okay, but I don't want you choose, you buy. We fought. And then he said, no, you're going to choose. Okay, is it like that? I chose Louis Vuitton bag and sent him. But she was late. I was late. She was late. So you were so lucky. She was late around, I guess, just a day. उसने जब मुझे भेजा ना मैंने ऑलरेडी लेके भेज दिया था उसके एड्रेस पे. बट मर्व अदरवाइज आई चोज मर्व. बट सी आई वाज लकी जस्ट बिकॉज़ यू सेंट मी द एड्रेस. लाइक इफ आई डिड नॉट हैड द एड्रेस आई कुड नॉट हैव ऑर्डर्ड इट. बट मर्व यू नो व्हाट यू हैव टू डू टुडे. यू जस्ट गिव मी दिस. आई नो वन बाइट. ओके आई नो दिस because today तुम कहीं पर भी जा रही हो कुछ भी कर रही हो. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज द राइस. ओके कौन सी अकल अकल. ओह भाई सब समझती है हिंदी के सारे तिरछे वर्ड समझती है. अभी हिंदी के बेसिक हिंदी नहीं आई है लेकिन सबसे पहले से क्या सीखा है किसी को चिढ़ाना वो सब किससे सीखा है. मैं रिकी. ऑफ कोर्स या ऑफ कोर्स यू टीच. मर्व मर्व सी यू आर टेकिंग हिंदी क्लासेस. जस्ट टेल देम समथिंग इन हिंदी. हाय गाइस आप कैसी हैं. एंड आई कैन से आई जस्ट लर्न वर्ड्स यू नो आई कैन नॉट मेक देम टुगेदर. टेल मी. आई लर्न लाइक दिस इज इट. शाय नो दिस इज इट. नो आई टोल्ड यश दैट्स व्हाई. सो ओके आई लर्न हाउ टू से Kese. I learned how to say kab. Kab? Kab kaha? Kya? Kya? That's it? I think so. I think that's more than enough for Marv. You know? Yeah, I think that's more than enough. Wo seekh rahi hai. Kitne? That's so important for me because kitne? When I go to shopping, I need to ask kitna it is. Kitna it is? Bhai, shopping ke time usko puchna padta hai. To theek hai. Marv ne bahut saare words yaad kar liye. But Marv, I am happy you are learning Hindi. I can't learn, bro. My brain doesn't let me. Okay. हम अपना डांस करेंगे लेकिन हम नहीं नहीं लेकिन हम अपना गाना नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा वॉइस वो आ जाता है. क्या होता है? कॉपीराइट आ जाता है. क्या पहले मैं करूंगी ना. Merv, they are both crazy. Merv, come join us. Come. Just do this and this. Shimmy, 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 shimmy. One, two, three. First I come. Okay. One, two, three, go. भगवान एक में तो दिमाग दे देते. ये भी अपनी जैसी कर ली. बताओ विलाज से आई हुई मेरी बहन. कल आपने देखा कि कैसे अंकित भी आए कल वाले व्लॉग में. तो मैंने उनको बोला था कि अभी वो मेरठ से आते जाते हैं. मैंने उनको बोला कि आप कोई नहीं मेरे जो जेपी अमन वाला घर है जो नीतू ने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था वहाँ जाके अभी स्टे कर लो फिर बाद में आप निकल जाना मेरठ. तो उनको सोसाइटी में एंट्री ही नहीं दी. और जब मैंने कॉल करने की कोशिश की वहाँ पर तो मुझे बोला गया कि आप मेल लिखो. मतलब पहले तो बोला फ़ोन पे और जब मैंने कॉल करने की कोशिश की वहाँ पे तो कॉल ही नहीं उठाया. फिर मैंने अंकित भैया को वहाँ गेट पे 2 घंटे बिठाए रखा उनको उनकी वाइफ को दोनों को. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बात कर लो उनसे. तो मना कर दिया कि हम फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते. फिर कहते हैं कि आपको जो हमसे बात करनी है आप मेल पे करो. मतलब आपको भी पता है कि हम किसी को मेल करते हैं. मेल का रिप्लाई 2-3 घंटे से पहले नहीं आता कभी भी है ना. कॉल में क्या कि अगर कोई सोसाइटी गेट पर जा रहा है मैं 2 मिनट में बोल सकता हूँ कि प्लीज़ इनको जाने दो मेरी रिलेटिव है या मेरी फ्रेंड है. कैसे पता लगेगा अगर आप कॉल नहीं मेरी पिक कर रहे. तो ये तो मतलब अजीब ही सिस्टम है बिल्कुल. और उनको 2 घंटे वहाँ पर बिठा के रखा. फिर 2 घंटे तक तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया. 2 घंटे बाद जब मैंने उनको कॉल किया कि आप पहुँच गए वहाँ पर तो उन्होंने बोला नहीं हम सोसाइटी गेट पर बैठे हुए. कितनी शर्म की बात थी. मेरे दोस्त आए उसको आपने अंदर तक नहीं भेजा सोसाइटी के. वो तो अच्छा है थैंक्स टू यूपी पुलिस जो एकदम टाइम से वहाँ पर पहुँची. मैं भी पहुँचा वहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली पहुँचना पड़ा. और जब पहुँचा तो यूपी पुलिस तुरंत वहाँ पर आई. उन्होंने इतना तेज़ एक्शन लिया. आप लोग अभी वीडियो देखो पहले वाले फिर आप देख सकते हो मतलब कैसे कैसे रूल्स बना लेते हैं सोसाइटी वाले. देखा घर लिया हुआ है इतनी बड़ी गलती कर दी. मेरे रिलेटिव यहाँ पर आए हुए हैं और ये सिन्हा जी हैं यहाँ पे. इनके अपने रूल चलते हैं. इनके मुताबिक ये पार्ट इंडिया का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं करता. इन्होंने अपने रूल बनाए हुए कि मेरा रिलेटिव कोई आएगा तो पहले इनको मेल लिख के इनसे परमिशन लूंगा. मेल है इन सबके. और ये जो भी गई है यहाँ से 26801 बता के वो पास था उस गाड़ी में. वो इस लाइन से आपने अभी तक मेल मांगा किसी का? क्या गलत काम कर रहा हूँ? एक मिनट लैंग्वेज सुधारवा उनकी. क्या गलत काम किया मैंने यहाँ? ये आप अगेंस्ट जा रहे हो. आपने इनको टॉर्चर किया हुआ है.
कर दिया, मैंने खुद कर दिया, मैंने खुद कर दिया, रिकॉर्ड कर रहा था कितनों जिन्होंने मेल मांगे यहाँ पे, देख रहा है ना कितनों से मेल मांगे, अभी वो क्या क्या कर गया, मेरे पीछे तो गाड़ी है, उसे अंदर भेज देना। अभी यहाँ पर स्कूटी वाला था, उसने बता के गया कि अंदर एंट्री नहीं दे रहे, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं बात सर प्लीज लिसन फर्स्ट, अगर आपसे तो बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ सर, अगर आपकी बात करने में इनके टीम की वजह से मैंने आज पीसीसी भी करवाई इनकी वजह से, और कुछ भी नहीं जानी नहीं दे रहे, उनसे पूछो ना क्यों मना कर रहे हैं, इनका फ्लैट है ना यहाँ पे, तो ये लोग शायद उनसे ट्राई कर रहे थे सोने का, पर अब मैं भी अभी यहाँ, मेरे को पूरी बात पता नहीं है, तो मैं पूछ रहा था इनको, देखो रास्ता ब्लॉक कर, कितना पैथेटिक रूल है, गाड़ी साइड ही लगा रखी थी भाई साहब, अभी तक हमने 20 गाड़ी अंदर जाते हुए देख चुका हूँ, जो एक लड़का क्या क्या पीछे मेरी गाड़ी दो गाड़ी आ रही है, उसने वुमेन्स हेल्पलाइन पे भी कॉल की दो बार कर दी, आप रुक जाओ, मेरे मेरे को रिलेटिव को रोका हुआ है, अरे भैया कैसे कर दिला, मेरे घर में मेरे रिलेटिव को नहीं जाने दे रहे, लो फॉर्म लेके आपके फैसिलिटी डिपार्टमेंट में गया, बाकी आप बोल रहे हैं कि अभी आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, इन्होंने दो तीन दिन, तीन दिन बाद आप आओगे यहाँ पे, और तीन दिन वो एक मेरी भाभी को लेकर तीन दिन का रोड पर रहेगा वो, अब आप मेरी पूरी बात सुनो, पहले मैंने पूरी बात सुनो, अब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले भाई सुनो, क्या नाम है आपका, लखन, तो सुनो आप एक मेल करो, आप एक बात तो सुनो, एम जी को और ना हम लोग मतलब कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, आप इन्हें रोक लिया है, मैंने फोन पे बात करी है, वो कह रहे हैं सिन्हा जी है हमारे, वो फोन पे बात नहीं करते, मेरा रिलेटिव आ रहा अच्छा है। मैं कैसे इन्फॉर्म करूं, नहीं नहीं आप मैं कोई कबूतर के हाथ तो नहीं बेच सकता, नहीं नहीं आपका क्या नाम है, ज्ञानेंद्र कब से गया आप, देखो ना इन्होंने बेचा है मुझे, उसका डॉक्यूमेंट नहीं आपकी फाइल में लगा हुआ, आपने एनओसी कैसे दी, जब तक नहीं चेंज कराया, आ चुका हूं फैसिलिटी ऑफिस में, ओनर का नाम इसमें गलत है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे लंबे बता दिए, अरे इतना क्यों ओनर है, मेल करें कि हमारे अपने रिलेटिव है, हम हमारे पास दिखा दें, हम आप एक बार आपके घर को रिलेटिव आता क्या, आप मेल करते हैं कितनी देर में, तो भाई मेरे साथ भाई साहब मेरा घर है, आप समझो मैं जेपी ग्रीन्स वाले घर में किसको मेल करता हूँ, मेरे रिलेटिव मेरे 10 रिलेटिव आते हैं भाई साहब घर में वहाँ, ये बहुत समझो मतलब ऐसा, ये भी इसी भारत का हिस्सा है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मैं अपने घर में किसी, ये भारत के दायरे से बाहर हो तो मैं इनका रूल फॉलो कर लूंगा, क्या मैं अपने घर में किसी किस लिए मेल मांग रहे हो मेरे से, किस चीज के लिए, चलो कोई बात नहीं हम करवा देंगे मेल, भाई साहब गैस मेरे डेली आएंगे, छोड़ो हम करवा देंगे, आज तो आपने आज तक मेरा नहीं मना के दिया, तीन चक्कर काट लिए मैंने, ओनर का नहीं बनता, अरे गाड़ी पे जो लगता है वो टैग जो लगता है आरएफआईडी नहीं है, मेरे जेपी वाले वहाँ जेपी ब्रिज में रह रहा हूँ फिलहाल, आपको दो दिन में लग गया, यहाँ नहीं लगा, क्यों बात बढ़ा रही हो, मैंने उनसे बात की, पहले तो उन्होंने अच्छे से बात ही नहीं, आपको पता बहुत रूडली बात है, बहुत रूडली बात, इनमें बात करने के प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैंने फिर भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर बात कर लीजिए, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैं ओनर से बात नहीं करता, नाम खराब कर देंगे ऐसे, तो इसने बोला ओनर से बात कर लो, उसने बोला मैं बात नहीं करता ओनर से, ऐसे स्टाइल में बात की उन्होंने, आपके कौन है, हम प्रेसिडेंट है, आप जो भी होंगे भाई साहब, मैंने घर लिया है अपने पैसों से, आप मुझे नहीं रोक पाओगे अगर मैं घर जाऊंगा, कल भी हमें अंदर नहीं जाने दिया और आज भी हम सामान लेके कल से बाहर खड़े, सोसाइटी के गेट पे ही एंट्री बंद कर रखी है, मतलब मेरे घर में मैं ही नहीं जा सकता, और ऊपर से हमसे रोड नहीं आ रही, मैं तो क्यों पता नहीं क्यों मुझसे कह रहे कि मैं मेल करूं इनको, मतलब मेरे घर को, हाँ जी मतलब मैं अपने घर में किसी को लाऊं, मैं पहले मेल लिखूंगा कि मेरे घर में रिलेटिव आ रहे हैं, भाई साहब मेरे साथ है, उनके साथ ही मैंने पूरी इसकी रिकॉर्डिंग करी, जितना जल्द होता है ना यहाँ पे इंडिया से सबकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैम आपकी नहीं कर रहे, इनकी कर रहे, क्योंकि इन्होंने भी जो जो करा है ना वो एक बार वीडियो में चेक कीजिएगा, इसके बाद इन्होंने हमारी तरफ कैसे देखा, बहुत रूडली बात, मैंने फोन मिलाया भैया, तो भैया ये हमें अंदर नहीं आने दिया, आप एक बार इनसे बात करो कि मैं नहीं बात करता ऑनर से, फिर हमने बोला, मैम मैडम बात ये करेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं, दिवाली पे कोई मेरे घर में नहीं आ सकता, मैम की मेल करना है क्या करना है, मैम एक्चुअली हमारा कल हम बाहर खड़े हैं, आज भी हम पूरा दिन हो गया, मतलब इनको तो ये भी देखना चाहिए था, एक लेडी भी है, ओनर का कैसे पता चलेगा, आप फोन नहीं उठा रहे, आप बात करने को रेडी नहीं हो, बात नहीं करने को रेडी, आप मिसबिहेव कर रहे हो, क्या बोला मैंने, बताइए आपको बताओ क्या बोला, मैंने बोला सर, मैंने आपको गुड इवनिंग किया कि गुड इवनिंग सर,
ये मेरे पेपर्स हैं। बोला कि नहीं बोला? तो उसके बाद मैंने जब ये आपने कब बोला यस मैम? आपने तो यस मैम बोला ही नहीं, आपने बोला हाँ बोला। चलो फिर क्या अब क्या अब क्या है? मेरे से तो फोन ही नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे मैम, कैसे बात करूँ इनसे? इनसे कोई बात नहीं हुई है, ये तो अभी आई आपको। हाँ ये नहीं था मैडम, मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। एक मिनट भाई साहब, ये यहाँ थे नहीं, अभी जस्टिफाई कर रहा हूँ, इनकी कोई गलती नहीं है, ये थे। आपको मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने कहा वो गार्ड अंकल है, मैंने उनसे कहा कि हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं, तो ये भी आए कि वो आ रहे हैं, उन्होंने फोन किया होगा, तो ये इस एटीट्यूड में उन्होंने गार्ड अंकल ने कहा इनको कि पुलिस आ रही है, तो उन्होंने कहा आ जाने दो। महाभारत वाली संजय की दृष्टि लेगी आपके पास, आप जब यहाँ नहीं थे, आप जबकि पूरी घटना ऐसे बता रहे थे जब यहाँ मौजूद थे, आप क्यों मिस गाइड कर रहे हो किसी के? आप जब नहीं थे, आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? जो थे आप उनको जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं वो तो थे, कोई दिव्य ज्ञान आपको ऐसा है कि आपको पता है आप कहाँ पे क्या चल रहा है? आप क्यों बोल रहे हैं? बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, जब ये आए इन्होंने बहुत एग्रेसिव बात कर रहे थे, सब उनको ऐसे ही खड़े रहे यहाँ पे, फिर मेरे भाई भाभी गेट के बाहर खड़े हैं। मेरे दिवाली के दिन अंदर नहीं आ सकते? मेरी आज सुबह आ गई थी, हमें कैसे बताओगे सर? मेल जब आप फोन पे बात नहीं करोगे, मैं क्या, मैं कबूतर भेजूंगा आपके पास चिट्ठी लेके? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे वो? अगर ये अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा, आप इस चीज से मतलब थोड़ा सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर शो किया जी। हाँ ठीक है सर, आगे आने दीजिए, मेरे इधर आइए प्लीज। और आप मैं आपकी कोई गलती नहीं कह रहा, लेकिन इनका जो आप मुझे भैया देखो ये नहीं जो थे जो मिस सो गाइज, ये था पूरा इंसिडेंट जो आज हमारे साथ हुआ, आपने देखा कितना अनफॉर्चुनेट था, अपने घर में हमें ही नहीं घुसने दे रहे, बट अब जो भी है थैंक्स टू यूपी पुलिस के, उनके बहुत तेज़ एक्शन की वजह से सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई और सब चीज़ें ठीक हो गई। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, हम कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और कल बच्चे का नामकरण है तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना, आप सबकी भी हमें विशेष चाहिए होंगी। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा नाम है, देखो नाम तो पंडित जी वहाँ डिसाइड करेंगे, आपके पास कोई निकनेम है तो कमेंट में लिख देना, कुछ भी प्यारा सा नेम, फिर हम उसको उसी नाम से बुलाएंगे, ठीक है? लड़का लड़की दोनों के लिख देना, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं दूसरे वो भी पढ़े वहाँ से नामों की लिस्ट पे, और उनके लिए भी कोई एक अच्छा आइडिया मिल जाए। ओके गाइस, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, कल मिलेंगे।